हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम दिसंबर 2022 का करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको नवंबर तक का करंट अफेयर आपको करवा चुके हैं, जनवरी से लेकर नवंबर तक का। और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे आई बटन पर, जहां से क्लिक करके आप जनवरी से दिसंबर तक के सभी वीडियो देखकर पूरा करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। क्लियर है? टॉप लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे जो आपकी एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। क्लियर है? तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दे गाइस, ये वीडियो किस किस एग्जाम के लिए आपकी जरूरी रहेगा। क्लियर है? तो ये जो वीडियो रहेगा आपका एमपी पटवारी, एमपी पीएससी, एमपी कांस्टेबल, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहारी और इसके अलावा एमपी की पुलिस एग्जाम, आबकारी आरक्षक की एग्जाम, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर जो आता है इन सभी एग्जाम में आपका पूछा जाता है। क्लियर है? और इसके अलावा आपका नेशनल का करंट अफेयर भी इन एग्जाम में पूछा जाता है, इन सभी एग्जाम में। तो इसके लिए हमने हमारा जो नया चैनल एग्जाम टाउन, इस पे आपके लिए पूरा करंट अफेयर नेशनल लेवल का इस चैनल पर करवा रहे हैं। 4 से 5 वीडियोस ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, बाकी डेली यहाँ पर एक दिन छोड़कर वीडियोस आ रही है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी गई है। तो यहां से आपका पूरा नेशनल करंट अफेयर कवर हो जाएगा और एमपी का करंट अफेयर आपको यहां पर हम इस चैनल पर कवर करवा रहे हैं। क्लियर है? तो इन सभी एग्जाम वाले जरूर से देखिएगा इस वीडियो को पूरा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आने वाले हैं। गाइज, अगर आप चाहते हैं कि पूरा करंट अफेयर आपको 1-to-1 यानी पूरा आपको विस्तार से कवर हो जाए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और अच्छे से रिवीजन भी आप कर पाए, तो हमने ईबुक लॉन्च की है इसके लिए। और ये ईबुक हमारी मध्य प्रदेश की नंबर 1 ईबुक है, क्योंकि इतने डिटेल में कोई भी नहीं बताता है करंट अफेयर को। मध्य प्रदेश का जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अफेयर इसमें डला है, टॉपिक वाइज भी डला है, स्पेशल करंट अफेयर भी। और ये सारी ईबुक अपडेट हो चुकी है, पूरी कंप्लीट कर दी गई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा और पूरी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पर इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार डेमो जरूर चेक आउट कर लीजिएगा और इस पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। क्लियर है? फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हम हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये बुलबुल पंजारे को बनाया गया है। बुलबुल पंजारे हमारे यहाँ से ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। इंदौर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, ये बुलबुल पंजारे बनाई गई है, स्पेशली याद रखिएगा। अगर इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल कवर करवाए हैं आपको, तो देखिए इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की ब्रांड एम्बेसडर मूक बधिर है ये बुलबुल पंजारे, इनको बनाया गया है ना। और बुलबुल पंजारे जो है ये, इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है, एशिया की पहली मूक बधिर नर्स है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए बुलबुल पंजारे क्या है। तो ये एशिया की पहली मूक बधिर नर्स है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। टेलीग्राम को गाइस ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। जितनी भी मध्य प्रदेश या नेशनल लेवल की करंट की अपडेट होती है, सबसे पहले हम टेलीग्राम पर ही अपडेट करते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया है, ये बनाया गया है राजीव लक्ष्मण कंदरी करंदीकर को। यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव लक्ष्मण करंदीकर को हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, स्पेशली याद रखिएगा। और यहाँ पर ये पॉइंट आप देख लीजिएगा, इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? देश का पहला इन्फेंट्री जो म्यूजियम स्थित है, ये आपका महू में स्थित है। महू हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गाइस देश का पहला है ये, है ना, और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम है। पैदल सेना, इसको इन्फेंट्री को बोला जाता है, तो पैदल सेना म्यूजियम है ये, और मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में ये बनकर तैयार हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में है, तो फिर आपको इंदौर जिला लगाना है, और अगर आपसे जगह पूछी जाए तो ये महू में बनकर तैयार हुआ है। इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो 16 दिसंबर को हुआ है 2022 को, विजय दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन किया गया है। और इस इन्फेंट्री म्यूजियम में 1747 से यानी 1747 से 2020 तक के गौरवशाली इतिहास को संजो कर रखा गया है, स्पेशली याद रखिएगा। और इसमें शौर्य एवं बलिदान की 3D प्रिंटर से स्टेच्यू, म्यूरल और तस्वीरों को तैयार किया गया है। तो ये डिटेल है इन्फेंट्री म्यूजियम के बारे में, जिसको पैदल सेना म्यूजियम भी बोला जाता है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला जल स्तंभ कहाँ पर स्थापित किया गया है? देश का पहला जल स्तंभ जो स्थापित किया गया है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस उज्जैन में 29 दिसंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के मौके पर महाकाल परिसर मंदिर जो परिसर है, इसमें देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि देश का पहला जल स्तंभ कहां पर, देखिए जहां पर भी ये पहला वर्ड आपको दिख जाता है, इन क्वेश्चन को आप सबसे पहला कवर कीजिएगा, सबसे पहले आप इनको ही याद कीजिएगा, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं।
तो देश का पहला जल स्तंभ जो स्थापित किया गया है उज्जैन में, और किस मंदिर में किया गया है ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो महाकाल मंदिर परिसर में है ना देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया गया है। पत्थर से बने इस जल स्तंभ की जो ऊंचाई है यह 13 फीट है, क्लियर है, और जिस पर चंडी की कारीगरी से चारों वेद की जो ऋचाएं हैं ये उत्कीर्णित की गई हैं, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है 10 दिसंबर 2022 को। सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदौर में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 10 दिसंबर 2022 को ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है, क्लियर है, याद रखिएगा गाइस। और इंदौर में एक स्टेडियम है खालसा स्टेडियम, यहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है। कब हुआ है? 10 दिसंबर 2022 को, और इसमें भारत की टीम ने 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें, हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिएगा। आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन नहीं किए जरूर तो करिएगा, क्योंकि गाइस ये जो टेस्ट सीरीज है मध्य प्रदेश की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, यानी कि इतना कंटेंट यहां पर डाला है कि किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको नहीं मिलेगा। इसमें 400 से अधिक टेस्ट हो चुके हैं, अब 450 से अधिक टेस्ट हो जाएंगे, हम अभी अपडेट करने वाले हैं इसको। इसके अलावा ये आबकारी की जो है इसमें 350 से अधिक है, इसमें 400 के लगभग अब हो जाएंगे, क्योंकि इसको भी हम अपडेट करेंगे, क्लियर है। तो इनमें लगातार आपके टेस्ट ऐड किए जा रहे हैं और आगे भी टेस्ट डाले जाएंगे, क्लियर है। इतना कंटेंट तो अभी वर्तमान में हो चुका है इनमें। यहाँ पर गाइस सबसे ज्यादा टेस्ट पूरा मैथ्स कंप्लीट है, इन दोनों में रीजनिंग कंप्लीट है, जीके साइंस करंट अफेयर सारे टेस्ट डले हैं, और स्पेशली आपको बता दें इसमें ई बुक स्पेशली मैनेजमेंट की और साइंस के लिए जीव विज्ञान की जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनकी अलग से हमने काफी ज्यादा PDF और ई बुक्स भी अपडेट कर दी गई है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किए डेमो, अगर चेकआउट नहीं किया है तो डेमो चेकआउट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल ना के बराबर है, इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है कि किसी भी टेस्ट सीरीज में इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। वो ओनली आपको FLT टेस्ट दे देते हैं, कुछ सब्जेक्ट वाइज डाल देते हैं और बस काम हो जाता है। इसमें हमने इतना डाला है तो आप वहीं पर जाकर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बताना ये पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार एप्लीकेशन पर जरूर से विजिट कर लीजिएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे। और ये हमारी MPGK की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इसमें हमने पूरा मध्य प्रदेश का GK कवर आपको करवा दिया है। और ये हमारी MP की करंट अफेयर की ईबुक है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी से दिसंबर तक की, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके हैं। तो ये 2020-21 और 22 तीनों साल की, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर लीजिएगा। ये हमारा कोर्स है MPGK का, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज और PDF फाइल इसमें आपको दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली आयरन किड कौन बनी है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा नाइसा ज्ञान चंदानी, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश की पहली आयरन किड ये बनी है, और जहां भी पहला वर्ड लग जाता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑलरेडी हम आपको ये चीजें कई बार बता चुके हैं। गाइस अगर हम बात करें इनके बारे में तो मध्य प्रदेश के भोपाल की है ये, और 8 साल की है नाइसा ज्ञान चंदानी, इनका नाम है, प्रदेश की पहली आयरन किड ये बनी है। आयरन किड का इवेंट पहली बार गोवा में हुआ था, तो पहली बार हुआ था ये गोवा में आयोजित, और इस इवेंट में दुनिया भर के 300 बच्चों ने भाग लिया था, लेकिन नाइसा ज्ञान चंदानी ने 6 से 8 साल की कैटेगरी में 1 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट 35 सेकंड में पूरी की है, और आयरन किड का टाइटल अपने नाम इन्होंने किया है। तो स्पेशली याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जूनियर घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है। तो राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है आपका भोपाल में, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और ये कब से कब तक हुआ है, तो 12 से 25 दिसंबर के बीच में हुआ है 2022 को। तो 12 से 25 दिसंबर 2022 के बीच में ये राष्ट्रीय जूनियर घुड़सवारी चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जिसमें लगभग 16 राज्यों के 200 घुड़सवारों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य जिसके पास अपना घुड़सवारी क्रॉस कंट्री कोर्स है, क्लियर है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके पास में अपना घुड़सवारी क्रॉस कंट्री कोर्स उपलब्ध है, क्लियर है, ये पहला है, इसलिए यहां से भी क्वेश्चन आपका जरूर से बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश में पहले स्थान पर आया है। और पहले स्थान पर यह जो जिला आया है इसका नाम है खंडवा जिला, हमारा यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। समग्र शिक्षा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है इसने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है, और इस योजना के मूल्यांकन के लिए 100 अंकों में से 78.28 अंक खंडवा जिले ने प्राप्त किया है, और ये प्राप्त करने के बाद में पहले स्थान पर आ चुका है। दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आया है, तो दूसरे स्थान पर छतरपुर जिला आया है मध्य प्रदेश का। तीसरे स्थान पर कौन सा जिला आया है, तो तीसरे स्थान पर छिंदवाड़ा जिला आया है, छिंदवाड़ा याद रखिएगा। और चौथे नंबर पर जो जिला आया है इसका नाम है शहडोल जिला। तो पहले नंबर पर आया है खंडवा, दूसरे पर छतरपुर,
तीसरे पर छिंदवाड़ा और चौथे पर शहडोल जिला आया है। याद रखिएगा, समग्र शिक्षा योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 4 अगस्त को 2021 को और केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र कौन सा है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैनिक भास्कर। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार जो पत्र है इसका नाम दैनिक भास्कर है, याद रखिएगा। और दैनिक भास्कर ही मध्य प्रदेश का अब तक या भी वर्तमान की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक समाचार पत्र यहां से जो कि प्रसार वाला है। स्पेशली ये वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है। देखिए, इंदौर से प्रकाशित होता है आपका, एक और याद रखिएगा, नई दुनिया जो समाचार पत्र है, नई दुनिया वाला आपने नाम सुना होगा, ये सर्वाधिक बिक्री वाला समाचार पत्र है। तो नई दुनिया जो पहले ऑप्शन में दे रखा है ये मध्य प्रदेश का जो कि इंदौर से प्रकाशित होता है, और सर्वाधिक बिक्री वाला जो समाचार पत्र है ये नई दुनिया है, क्लियर है। और सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला जो समाचार पत्र है ये दैनिक भास्कर है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इस मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो ये ग्वालियर अखबार था जिसे 1840 में ग्वालियर से उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। और हिंदी भाषा में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र था, प्रथम अखबार, ये मालवा अखबार था जिसे 1848 में प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिएगा, इनके बारे में थोड़ी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी गई है। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 6 लेन टनल कहां बनाई गई है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का रीवा सीधी में। रीवा सीधी हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देश की सबसे चौड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 6 लेन टनल कहां बनाई गई है? सही जवाब रहेगा रीवा सीधी में, ये बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया, पहली बार किया गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लियर है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भोपाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में पहली बार नेशनल व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, याद रखिएगा, है ना। और ये कब किया गया है, तो ये किया गया है 4 दिसंबर 2022 को, डेट भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का मनोहर ममतानी को, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में मनोहर ममतानी को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं या नियुक्त किए गए हैं, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। न्यूजीलैंड में आयोजित पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मुस्कान शेख ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा, यहाँ से 4 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो इनका नाम याद रखिएगा मुस्कान शेख का, ये शिवपुरी जिले की रहने वाली है। ईबुक में भी काफी अच्छी तरीके से इनके बारे में डिटेल हमने कवर करवाई है। तो मुस्कान जो शेख है ये शिवपुरी जिले की रहने वाली है और न्यूजीलैंड में आयोजित हुई थी पावर लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते, इसलिए चर्चा में आई है और इनके बारे में स्पेशली याद रखिएगा। न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में शैलेंद्र सेतविया ने कौन सा पदक जीता है? तो शैलेंद्र सेतविया की अगर हम बात करें तो इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है, रजत पदक हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, एक और चीज बता दें, 29 नवंबर से 2 दिसंबर 2022, तो 2 दिसंबर 2022 तक ये चली थी, 29 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक ये प्रतियोगिता। कहां पर हुई थी चैंपियनशिप? ये आपकी न्यूजीलैंड में हुई थी, जिसको कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप बोला जा रहा है, है ना। तो इसका नाम भी आप याद रखिएगा, और इसमें शैलेंद्र सेतविया ने रजत पदक अपने नाम किया है, और इसके अलावा मुस्कान जो से कि इन्होंने 4 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी की कोच सुश्री सुमा सिरूर ने सिरूर को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? इनका नाम आप याद रखिएगा, इनका नाम है सुश्री सुमा सिरूर, सुमा सिरूर इनका नाम है, और इनको जो सम्मान दिया गया है, इनको द्रोणाचार्य सम्मान से या द्रोणाचार्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में जो पुरस्कार वितरण किए गए, तो यहाँ पर पुरस्कार वितरण किए गए और इसमें मध्य प्रदेश शूटिंग अकेडमी की हाई परफॉर्मेंस कोच है ये, है ना, आप सभी को पता होना चाहिए ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये कोच को ही दिया जाता है। तो ये जो है शूटिंग अकेडमी की कोच है, सुमा सिरूर इनका नाम है और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, काफी स्पेशल क्वेश्चन है और आपका 110% क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पेंशनरों के 6वें और 7वें वेतनमान में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो ये जो बढ़ोतरी की है ये 12 से 15% की वृद्धि की है, 12 से 12% वो 5% माफ कीजिएगा, 15 बोल दिए, 5%
तो 12% व 5% की वृद्धि की है। याद रखिएगा स्पेशली छठवें वेतनमान के अनुसार 12 और सातवें वेतनमान में 5% की वृद्धि बढ़ोतरी देखने को मिली। हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में मेड़ा बांध बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश की जो मेड़ा बांध जो बनाया जाएगा ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बनाया जाएगा। बैतूल हमारे यहाँ से 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइस अगर हम बात करें कि इस बांध जो है मेड़ा बांध ये कहाँ पर बनेगा, तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि ये बैतूल में बनाया जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है ये बढ़ाकर 1.80 मीटर तक की जाएगी। गाइस आपको पता होना चाहिए बैतूल जिले में 80 करोड़ की लागत से 132 केवी बड़ा सब स्टेशन भी स्थापित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये अभी किया नहीं गया है, ये किया जाएगा स्पेशली, आप याद रखिएगा 132 केवी का। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है यह पहला है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा रहेगा अभिनेता आशुतोष राणा को। आशुतोष राणा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाएंगे अभिनेता आशुतोष राणा को। तो आशुतोष राणा हमारा सही जवाब रहेगा, यहाँ से आप स्पेशली याद रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तानसेन संगीत समारोह का जो आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया जाता है, हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और इस बार कब किया गया है? तो इस बार किया गया है 18 से 23 दिसंबर 2022 के बीच में। क्लियर है? 2022 के बीच में ये किया गया है, इस साल 2022 में 18 से 23 दिसंबर के बीच में ग्वालियर में ये किया गया है। ग्वालियर में तानसेन की समाधि भी है, यहीं पर ये संगीत समारोह आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रांतिकारी दंतिया भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंदौर में। सेकेंड ऑप्शन का राइट आंसर रहेगा। देखिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल जो है इन्होंने और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर का जो भंवर कुआं चौराहा है इस पर क्रांतिवीर कंटिया भील की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। और भंवर कुआं जो चौराहा है आप सभी को पता ही है, इसका नाम बदलकर कंटिया भील चौराहा कर दिया गया है। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कंटिया भील रेलवे स्टेशन, इसका भील तांतिया भील जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम कर दिया है। तो ये भी आप थोड़ा सा रिकॉल हमने इसीलिए करवा दिया ताकि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन है, केरल में आयोजित 65वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में निम्न में से किसने गोल्ड पदक जीता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा, देखिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, हर्षित बिंजवा और गोल्डी गुर्जर। यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी ने 65वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, 65वीं नेशनल राइफल चैंपियनशिप में श्रेया अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा रजत पदक, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 भोपाल गेस्ट त्रासदी की कौन सी बरसी मनाई गई? यानी भैया हाल ही में भोपाल गेस्ट त्रासदी की कौन सी बरसी मनाई गई जो कि कब हुई थी आप सभी को पता होना चाहिए। तो 38वीं बरसी इसकी मनाई गई, 38वीं हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 2-3 दिसंबर को 1984 में ये घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें MIC गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको बोला जाता है यूनाई। देखिए ये जो हुई थी ये भोपाल में हुई थी और यूनियन कार्बाइड एक कारखाना था यहाँ पर, फैक्ट्री, उससे ये लीकेज हुई थी गैस MIC। तो MIC का फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, hindi.com को किस वर्ष पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, देखिए माफ कीजिएगा हमने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया है, hindi.com को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो इसको दिया गया है हिंदी सेवार्थ पुरस्कार। यहाँ से हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और गाइज ये जो पुरस्कार दिया गया है ये hindi.com को दिया गया है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संभाग को दस्तक अभियान में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कृत किया जाएगा? तो ये जो संभाग है इसका नाम जबलपुर संभाग है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जबलपुर संभाग को दस्तक अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के प्रभाकर राजावत ने कौन सा पदक हासिल किया है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वर्ण पदक। एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के प्रभाकर राजावत ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। और गाइस ये जो प्रतियोगिता है चैंपियनशिप ये थाईलैंड में आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश रोइंग अकादमी के जो कलाकार खिलाड़ी है, माफ कीजिएगा, रोइंग अकादमी के जो खिलाड़ी है प्रभाकर राजावत इनका नाम है और इन्होंने ये जो स्वर्ण पदक हासिल किया है। पुरस्कार अंडर 19 मैन सिंगल स्कल्स की 200 मीटर जो स्पर्धा है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने हासिल की है।
याद रखिएगा मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में। कहां पर हुई थी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, मध्य प्रदेश में कहां देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देश का पहला है सरकारी पंचकर्म सेंटर का लोकार्पण किया गया है और यह किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, देश का पहला सरकारी पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र का लोकार्पण किया गया है ये, और भोपाल में इसका लोकार्पण किया गया है। गाइज यहाँ पर दिसंबर माह का जितने भी करंट अफेयर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं आपको, और अगर आप पूरा डिटेल के साथ में कवर करना चाहते हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बाहर यहाँ से नहीं जाए, तो आप इसके लिए हमने हमारी स्पेशल ई बुक आपको दी है। ये ई बुक है हमारी 2022 के एमपी करंट अफेयर की, इसमें पूरा ए टू जेड डाला है, एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका डेमो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज, एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस हम आपके लिए स्पेशल प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको जो है जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा जो करंट अफेयर है ये हम स्पेशल सीरीज के माध्यम से कवर करवा दें, जिसमें हम आपके लिए टॉप 100 की फॉर्मेट में वीडियोस लेकर आएंगे, दो तीन वीडियोस, तीन चार वीडियोस जितने भी होंगे, तो उसमें आपका पूरा 2022 का करंट अफेयर का निचोड़ हम आपको दे देंगे। क्लियर है, जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है। क्लियर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में इसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो जरूर हमें बता दीजिए। क्लियर है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लगातार लेकर आते रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।